तो धार्मिक नगरी पाटण में विराजमान कार्तिकेय स्वामी भगवान नु मंदिर वर्ष में एक ज वार खुले छे। त्यारे कार्तिकेय पूर्णिमा निमित्ते मंदिर ना द्वार खुलता दर्शन करवा भक्तों नु घोड़ापूर उमटी पड़ी हतु। नूतन वर्ष पछी आवती प्रथम पूर्णिमा एटले के कार्तिकेय भगवान ना दर्शन करवानी पूर्णिमा होय तेने कार्तिकेय पूर्णिमा कहेवामां आवे छे। आ कार्तिकेय पूर्णिमा ना दिवसे ज पाटण में आवेल छत्रपत्रेश्वर मंदिर में समग्र शिव परिवार विराजमान रहे छे। सूर्योदय पहला मंदिर ना द्वार खोलवामां आव्या छे अने भक्तो भगवान ना दर्शन नो लाव ली रह्या छे। आप जे अत्यारे शिवालय निहाळी रह्या छो तेनुं नाम छे श्री छत्रपतीश्वर महादेव अने समग्र पाटण शहेरनुं आ एकमात्र एवुं शिवालय छे कि जेनुं निर्माण संपूर्ण शिव परिवार साथेनुं करवामां आव्युं छे। संपूर्ण शिव परिवार एटला माटे के आ शिवालयनी अंदर भगवान महादेवजी, माता पार्वती, तेओना पुत्र गणेशजी तथा तेओना बंने पत्नी रिद्धि अने सिद्धि सहित तेओना बंने पुत्र शिवगुणे लाभ सहित विशेष करीने आ मंदिरनी अंदर भगवान श्री कार्तिकेय स्वामीनी प्रतिमाने पण विराजमान करवामां आवी छे। कार्तिक स्वामीनी आजे जन्म जयंती, कार्तिक स्वामीना मंदिरो आखा भारतनी अंदर एक सिद्धपुरनी अंदर ज ने पाटणनी अंदर दामाजीराव बगीचानी अंदर गायकवाड सरकारे आ मंदिर बनायो, कार्तिक स्वामीनी प्रतिष्ठा करेली। कार्तिकेय पूनम छे, आ कार्तिक पूनमना पाटण अंदर दामाजीराव बगीचाना अंदर एक मंदिर छे। माधवनुं जे मंदिर कहेवाय जूनुं पुरातत्व मंदिर छे गायकवाड समानानुं, एमां कार्तिक भगवानी मूर्ति आवेली छे। તે કાર્તિક સ્વામીના પૂનમના દિવસે વારા સવારે 6 વાગે સાંજે 6 વાગે પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવે છે અને પાટણની પબ્લિક અહીંયા દર્શનાર્થ કરવા બહુ આવે છે। આ અહીંયા છત્રપતિશ્વર મહાદેવે યજ્ઞ યોજાયો છે, એમાં અમે લાભ લીધો છે યજ્ઞમાં અને ખૂબ સરસ રીતે અમે યજ્ઞ કર્યો છે અને અહીંયા બધા દર્શનનો લાભ ઉઠાવવા આવે છે। મેળો જો મહોત્સવ યોજાયો છે।